मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी अब माहौल सुधरता जा रहा है। माहौल जो देखेंगे उसमें बच्चे अंग्रेजी बेबाकी से बोल रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले के रेहटी तहसील के ग्राम माठा की, जहां पर बच्चे बेबाक तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं। लोगों का मानना है कि प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी पढ़ाई यहाँ की होती है, लेकिन ग्राम रेहटी तहसील के ग्राम मटका के स्कूल के शिक्षकों से इस बात को गलत साबित कर दिया है कि एक सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, जहाँ एक और प्राइवेट स्कूल वाले अच्छी पढ़ाई के नाम पर मोटी फीस अभिभावकों से वसूलते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राम मठा के इस स्कूल में सरकारी शिक्षक बच्चों की पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान देते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं। जब शिक्षक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मानते हैं कि आज अंग्रेजी का महत्व बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हम सारे विषयों के साथ साथ अंग्रेजी पर भी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बच्चों के हृदय में भी परिवर्तन हो रहा है। यही नहीं, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई व्यवस्था दिखाई देने लगी है। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शेर सिंह चौहान। सर आप इस स्कूल में कब से सेवा दे रहे हैं? मैं सर 98। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ सर आप कैसी तैयारी करवाते हैं बच्चे? बहुत ब्रिलियंट हो रहे हैं पढ़ने में आपके स्कूल में, बहुत अच्छा लगा मुझे देख कर। सर क्या है, वो बच्चों के साथ सबसे पहले मैं माहौल बनाता हूँ बच्चों का पढ़ाई के प्रति, और बच्चों की जो अभिरुचि होती है उसके अनुसार मैं बच्चों की पढ़ाई कराता हूँ। इसके साथ कुछ मेरे पास एक्टिविटीज की चीजें भी है जो अपनी रॉ मटेरियल वाली, उसके माध्यम से अपनी बच्चों को सेट में कार्य कराता हूँ। आपकी स्कूल का नाम क्या है बेटा? शासकीय प्राथमिक साना मठा। कौन सी क्लास की हो? 5। सीहोर के रेहटी तहसील से ये थी लोकेश नागर की रिपोर्ट।